देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तैयारियों का जायजा लिया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी टीम्स लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया, तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं, इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1,000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीज़ों के लिए, तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली हैं ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं। और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। तो दिल्ली सरकार एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। जैसा मैंने बताया 81 सेंटर्स में शुरू किया जाएगा, 100 प्रतिदिन किए जाएंगे, तो 8100 लोगों को, 8,000 के करीब लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन, हेल्थ केयर वर्कर्स को शुरुआत में प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी तकलीफ़ में हैं, और इन वैक्सीन के आ जाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब लोगों को अंत में इससे कोरोना से मुक्ति मिलेगी, अपने दिल्ली को भी मुक्ति मिलेगी, देश को भी मुक्ति मिलेगी, दुनिया को भी मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।